12 से 18 मार्च तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए मंडी जिला प्रशासन ने मुख्य कलाकारों की सूची तैयार कर ली है। इस बार महोत्सव में पंजाबी गायक मिलिंद गाबा, गुरनाम भुल्लर और अर्शप्रीत कौर जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से धमाल मचाएंगे। वहीं हिमाचल के कलाकारों को भी प्रशासन ने पूरा मौका देने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में डीसी मंडी ऋत्विक ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पहली सांस्कृतिक संध्या में सुनील मस्ती और एसी भारद्वाज, दूसरी सांस्कृतिक संध्या में कुमार साहिल और गुरनाम भुल्लर, तीसरी सांस्कृतिक संध्या में अनुज शर्मा और कुलदीप शर्मा, चौथी सांस्कृतिक संध्या में अर्शप्रीत कौर और नरेंद्र ठाकुर, पांचवी सांस्कृतिक संध्या में इंद्रजीत और अंकुश भारद्वाज, जबकि छठी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या में विशेष बच्चों के लिए फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद पंजाबी गायक मिलिंद गाबा अपनी प्रस्तुति देंगे। तो इसमें सुनील मस्ती और एसी भारद्वाज, ये दो हमारे मेन आर्टिस्ट होंगे फर्स्ट नाइट के लिए। 13 की नाइट है, उसके लिए कुमार साहिल और गुरनाम भुल्लर जो पंजाबी आर्टिस्ट है वो होंगे। 14 की नाइट के लिए अनुज शर्मा और कुलदीप शर्मा। 15 की नाइट के लिए अर्शप्रीत कौर और नरेंद्र ठाकुर। 16 की नाइट के लिए इंद्रजीत और अंकुश भारद्वाज जो इंडियन आइडल फेम के हैं। और 17 के लिए एक हमारा एक स्पेशल फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इससे इससे और इसके अलावा भी बहुत सी गतिविधियां हैं जिसमें कि एक मैसेज भी देना चाहना है, सोशल मैसेज के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज अ मैसेज फॉर इंक्लूसिव शिवरात्रि जो हम इस फैशन शो के माध्यम से देंगे। और लास्ट आर्टिस्ट हमारे जो है वो मिलिंद गाबा रहेंगे, जो पंजाबी बॉलीवुड इस तरह से आर्टिस्ट है फाइनल नाइट के। तो ये हमारे मेन आर्टिस्ट रहेंगे। डीसी मंडी ने बताया कि इस बार के महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी सांस्कृतिक दल प्रस्तुति देने के लिए नहीं आ रहा है। कोरोना काल के कारण विदेशों से यात्रा करना काफी मुश्किल और चुनौती भरा है, जिसके चलते इस बार किसी विदेशी कलाकार दल को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस मौके पर उनके साथ एडीएम मंडी श्रवण मांडा और AC2DC संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल ट्रूप अभी तक नहीं है, अभी तक ने हमारा फाइनल नहीं हुआ है इंटरनेशनल ट्रूप को लेकर, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल भी अभी तक इतना स्मूथ नहीं है, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग, पर अभी तक वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज एनी आर्टिस्ट एज ऑफ नाउ।